नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 सितंबर बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में सीकर की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास और 60,000 की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि ग्रामीण इलाके की रहने वाली महिला ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि 21 अक्टूबर 2017 की रात उसकी 15 वर्षीय बेटी घर के मैदान में टॉयलेट करने के लिए गई थी। इस दौरान बाइक पर दो लड़के आए, नाबालिग का मुंह बंद कर उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद झुंझुनू में नाबालिग को युवक बंटी अपने साथ बोलेरो गाड़ी में ले गया, उसके बाद अजमेर ले गया, फिर ट्रेन से कर्नाटक ले गया। कर्नाटक में एक कमरे में बंद कर करीब एक महीने तक नाबालिग के साथ बंटी ने रेप किया। एक महीना बीत जाने के बाद कर्नाटक पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर आरोपी 28 वर्षीय बंटी अली को पकड़ लिया। इसके बाद 2018 में आरोपी बंटी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष के रेस में आगे है। देर रात जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भरने के साफ संकेत दिए। विधायकों को गहलोत ने उनके नामांकन करने पर दिल्ली आने तक के लिए भी कहा। गहलोत बुधवार को दिल्ली और फिर कोची दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे केरल के कोची जाएंगे, वहां राहुल गांधी से मुलाकात कर पूरे मामले में चर्चा करेंगे। विधायक दल की बैठक में राहुल गांधी को आखिरी बार मनाने की बात भी गहलोत ने की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल नहीं माने तब वे खुद नामांकन करेंगे। राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन के लिए हाँ या ना सुनने के बाद वे दिल्ली लौटेंगे। राहुल की फाइनल राय के बाद अब आगे का मूवमेंट तय होगा। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गुजरात के सूरत व उदयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विश्व बंधु वीरेंद्र कुमार, इमरान उर्फ मानी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नितेश कुमार व मनोज कुमार आरोपियों को शरण देने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से घटना के समय काम में ली गई 2 बुलेरो कार भी जब्त की है। पुलिस ने इमरान उर्फ मानी को गुजरात के सूरत शहर और विश्व बंधु वीरेंद्र कुमार व मनोज कुमार को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं नितेश कुमार को झुंझुनू के ग्रामीण इलाके से पकड़ा है। इससे पहले पुलिस ने हत्याकांड में शामिल हासलसर निवासी कुलदीप मील को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब तक 6 को गिरफ्तार कर चुकी है। हनुमानगढ़ में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,05,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 26 मई 2019 को नाबालिग के पिता ने पीलीबंगा थाना में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी मानक सिंह उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया। आरोपी ने इस दौरान उसकी लड़की से कई बार रेप किया। पुलिस ने बीकानेर से नाबालिग को दस्तयाब किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मानक सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मानक सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,05,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रीट मेंस 5 जनवरी को होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह परीक्षा करवाई जाएगी। इसके माध्यम से 40,500 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद इसी महीने कभी भी प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन के कारण अभी रीट 2022 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कुल 16,44,246 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें लेवल 1 में 3,86,508 और लेवल 2 में 12,57,738 कैंडिडेट्स शामिल हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि रीट मेंस जनवरी के पहले सप्ताह में होनी थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 मई 2022 को प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, लेकिन अब रीट मेंस एग्जाम की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब यह परीक्षा 5 जनवरी को करवाई जाएगी। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को आयोजित परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने में जारी हो जाएगा। बाड़मेर शहर में मारपीट से आहत आईटीआई स्टूडेंट ने सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर ली थी।
परिजनों की रिपोर्ट पर दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा आरोपी पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। परिजनों ने सदर थाने में 17 अगस्त को रिपोर्ट दी है कि 20 वर्षीय मनोहर बाड़मेर के बलदेव नगर में रहकर ITI के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। मूल रूप से बायतू परेऊ बाड़मेर का रहने वाला था। 15 अगस्त को मनोहर के साथ खुमाराम रावताराम ने कमरे में मारपीट की थी। इससे इतना आहत हुआ कि जसदेर धाम के पास ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया था। दोनों युवकों के नाम का जिक्र सुसाइड नोट में किया था। जोधपुर में दो दिन पहले एक होटल के बाहर दो कांस्टेबल और दो युवकों के बीच हुए विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। आरोप लगाया कि एक हिस्ट्री शीटर युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी, इस वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जिसे युवक को आरोपी बताया है, उसका आरोप है कि उसे इतना पीटा कि दांत और अंगुली तक टूट गई। आरोप लगाया कि कांस्टेबल शराब के नशे में था। मामले की पड़ताल की तो होटल के CCTV फुटेज सामने आए। इस फुटेज में कांस्टेबल शराब की ग्लास हाथ में लेकर होटल से बाहर निकल रहा है। मामला रातानाड़ा थाने के फर्न होटल का है, जहां दो कांस्टेबल किशन सिंह और केशर सिंह सिविल ड्रेस में थे और किसी पार्टी में शामिल होने के लिए वहां गए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनकी युवकों से कहा सुनी हो गई। इसके बाद दोनों युवक जलोर निवासी मलेंदर और अरविंद अपनी गाड़ी में बैठे और कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गाड़ी चला रहा मलेंदर तो फरार हो गया, लेकिन अरविंद कांस्टेबल को संभालने के लिए वापस आया तो उसे दोनों कांस्टेबल ने पकड़ दूसरी गाड़ी में डालकर मारपीट की, जिससे उसका दांत टूटने के साथ ही आंख व कमर पर भी गहरी चोट आई है। रातानाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरविंद के भाई जगदीश रणथंभौर में डिप्टी SP के पद पर तैनात हैं। उन्होंने रातानाड़ा थाने में कांस्टेबल के खिलाफ क्रॉस शिकायत दी, लेकिन पुलिस की ओर से उसे दर्ज नहीं किया गया है। टोंक के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में LLB परीक्षा की कॉपियों समेत अन्य सामान की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। टोंक सिटी CEO सालिम मोहम्मद ने बताया कि आरोपी दशरथ मीना निवासी नाईखेड़ा थाना केकड़ी सदर टोंक के एक निजी कॉलेज में LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसका परीक्षा सेंटर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में था। यहां पर पेपर के दौरान चीटिंग करते समय उसकी कॉपी में नोट डाल दिया गया था। इससे नाराज होकर वह 18 सितंबर की रात को गर्ल्स कॉलेज में घुसा और वहां CCTV कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद कॉलेज से 5 CPU के साथ कॉलेज में परीक्षा कॉपियों के 2 बंडल भी चुरा लिए और इन कॉपियों को पास ही गंदे पानी के नाले में फेंक कर अपने गाँव चला गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की DVR खंगाली तो उसमें चोर नजर आया। आरोपी की पहचान कर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जयपुर जिले के शाहपुरा कस्बे के रायसर थाना क्षेत्र में 2 जगह चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार रतनपुरा हरिपुरा गांव निवासी रघुनाथ प्रसाद जाट के घर से अलमारी का ताला तोड़कर 20,50,000 रुपये नकद और करीब 15 से 20 लाख रुपये के सोने चांदी के गहने चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार रघुनाथ प्रसाद कोटपुतली की बनेठी में प्रधानाचार्य है और वहीं रहते हैं। उनका एक पुत्र नरेंद्र कुमार जाट उपकर अधिकारी है, वहीं दूसरा पुत्र दिनेश कुमार MBBS की ट्रेनिंग कर रहा है। दोनों पुत्र और उनकी पुत्रवधु बाहर रहते हैं। वहीं रघुनाथ प्रसाद की पत्नी अपने 2 पोतों के साथ बाहर वाले कमरे में सो रही थी। चोर दीवार छलांग लगाकर अंदर चौक में जाकर चोरों ने पीछे वाले कमरे का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से 20.50 लाख रुपए नगद और 15 से 20 लाख रुपए के जेवरात चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।